हाँ दीदी, ये सरने के बाद ये दवाई जो बन गया, हाँ। तो ये दवाई से काम का हमला है दीदी हमला? ये तो भैया घरेलू उपचार है यार। अच्छा, अपन घर में बन जाता है, घरेलू उपचार है। मेहनत करता अपन हाथ से बना। अच्छा, अपना घरेलू उपचार है, अपन हाथ ऐसे बन जाता है। हाँ। एमा भैया जो फसल में कीड़ा लग जाता है, फसल है टमाटर है चना है जो भी है, तो कीड़ा लग जाता है, फल फरते थे माँ। अच्छा, फल में जो कीड़ा लग जाते है दीदी ना, फल छेदा कीड़ा? हाँ, ओकर फायदा है भैया। और तना में भी जो कीड़ा लगते है दीदी, तना को भी छेदक करता है ना, वो कीड़ा के लाने भी काम करते दीदी ना? जो पौधों ने छेदा कर देते हैं, देखा लाने भी काम आते है। नहीं, बहुत अच्छा लाभदायक चीज है दीदी, ये तो बहुत दवाई है, बहुत ही काम में आता है। तना छेदक भी कीड़ा मर जाता है इसमें, और फल छेदक वाले जो कीड़ा होता है उसके लाने भी काम आता है, माने हर एक प्रकार के फसल में काम आता है। हाँ बिल्कुल, घर के घर भर चीज है, घर में बनता है सारी चीज, घर में उपलब्ध है। कितना किसान भी है जो खेती कर रहे हैं। हाँ दीदी, ऐसे दवाई बना के अपन खेत में उपलब्ध मान सकते हैं? हाँ ना, क्या है दवाई, पैसा से काहे को दवाई खरीदे, खुद अपन खुद बना के अपने स्वयं की दवाई बनाए और स्वयं की दवाई बन जाए। हाँ दीदी, बढ़िया दवाई है। अग्नि अस्त्र दवा से होने वाले लाभ। अग्नि अस्त्र घरेलू दवा है जो आसानी से कम लागत में बनाई जा सकती है, तथा यह सभी प्रकार के फसलों में फल छेदक एवं तना छेदक इल्लियों की रोकथाम करती है। डिंडौरी जिले में अधिकतर फसलों में लगने वाली इल्लियां इस प्रकार हैं, जो चित्र द्वारा प्रदर्शित की जा रही हैं। हाँ दीदी, इस प्रकार के जो आप दवाई बनाए हैं, तो और किसानों को इसके बारे में क्या संदेश देंगे दीदी? यह अपन घरेलू दवाई है भैया। हाँ दीदी, यह घरेलू दवाई है, और किसान भाई भी अपन डिंडौरी जिले के किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, वो ऐसे अपना घरेलू दवाई बनाए के और फिर अपन खेती के उपचार करें। एमा कीड़ा के भी उपलब्ध है और फिर सुस्त पौधे भी रही, एक साथ साथ बाहर के दवाई से भी बच जाएगी आदमी। धन्यवाद दीदी, आपने कितना अच्छे दवाई बनाकर हमको बताया और समय दिए, ये दवाई अपने क्षेत्र में बनाए, और ये दवाई बहुत ही असरदार है। हाँ, और बहुत ही इस प्रकार की दवाई बनाने के लिए मुझे बताए, मैं भी अपने गांव क्षेत्र में जाके इस प्रकार की दवाई बनाने के लिए मैं अपने किसानों को संदेश दूंगा। हाँ। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ दीदी। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ दीदी। हाँ, राम राम भैया। राम राम।